ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को सुप्रभात और जय माँ सरस्वती। आज हम ऋग्वेद का पांचवें मंडल का सूक्त नंबर 61 का दूसरा भाग पढ़ेंगे, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आप सभी देखने वालों को साधुवाद। पांचवा मंत्र है, ऋषि श्यावाश्व आत्रेय देवता शशि असी तरंत महिषी छंदः अनुष्टुप् स्वरः गांधारः प्राणशक्ति तरंत महिषी सनत सनत साश्वयम् पशुमुत गव्यम् शतावयम् श्यावाश वस्तुताय या दोर्वी रायो पबर बृहत्। शत्रुओं को नष्ट करने वाले तैर जाने वाले प्राण तरंत हैं, यानी कि जो शत्रुओं को नष्ट करके तैर जाते हैं प्राण, वो तरंत हैं। इनकी शक्ति तरंत महिषी है। सा यह प्राण शक्ति अश्वयम पशुम अश्व संबंधी पशुओं को सनत यानी प्राप्त कराती है। कर्मेंद्रियां ही अश्व पशु हैं, ये कर्मों में व्यापन वाली हैं। उत और गव्यम गो संबंधी पशुओं को भी ये प्राप्त कराती हैं। ये पशु जानेन्द्रियां हैं, गमयंती अर्थात इति गावः, ये अर्थों का जान देती हैं। यह तरंत महिषी शतवयम शतवर्ष के दीर्घ जीवन को प्राप्त कराती है। शतवयस यह प्राण शक्ति श्यावाश वस्तुताय क्रियाशील इंद्रियों वाले वस्तुतिमय जीवन वाले वीराय वीर पुरुष के लिए दोह अपनी भुजा को उपबर बृहत उपबरह के रूप में तकिए के रूप में प्राप्त कराती है। अर्थात श्यावाश वस्तुत की यह प्राण शक्ति आश्रय देने वाली होती है। तो भावार्थ है, प्राण शक्ति से उत्तम कर्मेंद्रियां उत्तम ज्ञानेन्द्रियां व शतवर्ष का दीर्घ जीवन मिलता है। क्रियाशील स्तुति में वीर पुरुष की यह प्राण शक्ति बलवान बनती है। तो हम ये सारे जो मंत्र हैं ये प्राण शक्ति के लिए बोल रहे हैं, और प्राण शक्ति जो है वो हमारा रक्षण करती है, आश्रय देती है। छठा मंत्र है, ऋषि श्यावाश्व आत्रेय देवता शशि असी तरंत महिषी छंदः गायत्री स्वरः षडजः स्त्री या पुरुष उत त्वा स्त्री शशि असी पुंसो भवति वस यसी अदेवत्रा दराधसः उत और त्वा वह एक शशि असी प्लुत गति वाली निरंतर कार्यों में प्रवृत्त आलस्य शून्य स्त्री पुंसः उस पुरुष से वस्यसी वही उत्तम निवास वाली है जो पुरुष की अदेवत्रात येन देवाः न त्रायन्त्रे जो अपने अंदर दिव्य गुणों का रक्षण नहीं करता और अराधसः जो दान योग्य धन से रहित अर्थात लोभी है। यदि एक पुरुष है जो न किसी दिव्य गुण से युक्त है और लोभी है, और एक स्त्री है जो निरंतर कर्तव्य कर्मों में प्रवृत्त है, तो इन दोनों में स्त्री ही निवास को उत्तम मानती है बनाती है। तो यहाँ पर कंपैरिजन भी दिया है, तो ये देखिए कितना अच्छा कंपैरिजन है जो हम मोमिनों को दिखा सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो कहा है कि एक पुरुष है जिसके अंदर कोई दिव्य गुण नहीं है और वो लोभी भी है, और उसके कंपैरिजन में एक स्त्री है जो कर्तव्य कर्म करती जा रही है बिचारी। हो सकता है कि वो गरीब युवती हो और मतलब बस वो परिश्रमी हो, ब्लू कॉलर वर्कर हो, एक मजदूर नहीं हो, तो स्त्री जो है उसका निवास जो हम उत्तम बनाएगी वो। तो भावार्थ है, प्रभु हमें दिव्य गुणों से दूर लोभी वृत्ति वाला पुरुष न बनाकर, यानी हम यहाँ से प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु से कि वो हमको ऐसे व्यक्ति ना बना दे जो लोभ वृत्ति वाला पुरुष है, जो दिव्य गुणों से, उससे बेटर तो ये है कि हम कर्तव्य परायणा स्त्री का ही शरीर दे दे हमें, ताकि हम जो है हमारा शरीर अच्छे निवास वाला हो जाए। अगले मंत्र में इस शशि असी का चित्रण देखिए। ऋषि श्यावाश्वात्रेय देवता शशि असी तरंत महिषी छंदः गायत्री स्वरः षडजः।
कौन सी स्त्री वस्यसी होती है? वि या जानाति जसुरिम, वि त्रश्यंतम, वि कामिनम, देवत्रा कृणुते मनः। गत मंत्र की कर्तव्य कर्म परायणा शशि ऐसी स्त्री का चित्रण करते हुए कहते हैं कि यह वह है या जो जसुरिम जसु उपक्षेपणे मन को उपक्षित करने वाले, मन की वृत्ति को अशांत करने वाले क्रोध को विजानाती कभी नहीं अपनाती। ज्या मतलब है टू रिकॉग्नाइज एज वंस ओन। वि विपरीत त्रश्यंतम, सदा तृष्णा वाले कभी न तृप्त होने वाले लोभ को भी वि नहीं अपनाती, अपना नहीं बनाती। कामिनम, कामवासना में फंसी स्थिति को वि न अपनाकर अपने से दूर रखती है। यह शशि ऐसी स्त्री देवत्रा देवों के विषय में मनः कृणुते अपने मन को करती है। क्रोध लोभ व काम से ऊपर उठकर ही हम किन्हीं भी दिव्य गुणों को धारण कर पाते हैं। तो भावार्थ है कर्तव्य परायणा स्त्री का जीवन क्रोध लोभ काम से ऊपर उठकर दिव्य गुणों में प्रीति वाला होता है। तो ये जो कर्तव्य परायणा स्त्री है ये दिव्य गुणों में इसकी प्रीति होती है, जो कर्तव्य परायणा स्त्री है। आठवां मंत्र है ऋषि श्यावाश्वात्रेय देवता शशि असी तरंत महिषी छंद गायत्री स्वर षडज। पुरुष का लक्षण कौन पुरुष है? उत घा नेमो अस्तुत पुमा इति ब्रुवेपणी स वैर देय इत समह। उत घा और फिर जो नेम अपनी पत्नी का अर्धांग बनता है, पत्नी को ही अर्धांगिनी न समझता हुआ स्वयं भी अर्धांग बनने का प्रयत्न करता है, अर्थात पतिव्रता के यशोगान को ही सदा न करता हुआ स्वयं भी एक पत्नी व्रत बनने का प्रयत्न करता है। कितना सुंदर लिखा है। ये नहीं है कि हम विमेन को ही बोलते हैं पतिव्रता, यहाँ पर आदमियों को बोला है कि तुमको पत्नी व्रता बनना है। अस्तुतः सदा अपनी ही स्तुति प्रशंसा नहीं करता रहता, पणिह सदा प्रभु स्तवन करने वाला होता है, यह ही पुमान इति पुरुष इस नाम से ब्रुवे कहा जाता है। पुमान अर्थात अपने जीवन को पवित्र करने वाला। सह वह वैर देये वीरों से किए जाने वाले धन दान के कर्म में इत निश्चय से समह यानी समवृत्ति का होता है, पक्षपात से कभी इस दान क्रिया को नहीं करता। यानी कि वो दान देते समय ये नहीं सोचता कि ये कौन व्यक्ति है जिसको मैं दे रहा हूँ, बस वो दान देता है सबका भला चाहते हुए, यजशील होता है। तो भावार्थ है पुरुष कौन है? यहाँ पर पुरुष की डेफिनेशन दी है कि पुरुष वही है जो सबसे पहली बात पत्नी का अर्धांग बनता है, दूसरा घमंड नहीं करता, तीसरा प्रभु स्तवन की वृत्ति रखता है, और चौथा दान कर्म में समवृत्ति को अपनाता है, पक्षपात नहीं करता। तो सूचना है ऐसा जीवन प्राण साधना से ही तो बनेगा, इसलिए मरुतों के प्रकरण में यह सब उल्लेख हुआ है। तो प्राण साधना करेंगे तभी हम ऐसा जीवन लीड कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही था ऋग्वेद में। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, और अब मैं थोड़ी देर बाद अथर्ववेद पढ़ूंगी। जैसा मैंने पहले कहा था कि अब मैंने अपना टाइमिंग बिल्कुल उसी टाइम कर दिया है, एक जा खत्म होते ही मैं दूसरा नहीं शुरू करूंगी, हर 15 मिनट में शुरू होगा ताकि वो स्केड्यूल से हो, ताकि कोई मिस न कर ले, बीच में किसी को कोई काम हो तो कर सकता है। तो आप सभी को साधुवाद, और मिलते हैं अथर्ववेद में। राम राम।